मैं पूनम स्वागत करती हूँ दीदी की रेसिपी में। तो एक मजेदार रेसिपी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ऐसे मजेदार रेसिपी आपको मिलती रहे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। मंचूरियन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी को घिस लिया है, यहाँ पे मैंने 1.5 कप पत्ता गोभी लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मैंने कद्दूकस कर लिया है, तो इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मैं डालूंगी ये स्प्रिंग अनियन डालूंगी, यानी कि हरी वाली प्याज, प्याज के पत्ते हैं, और मैंने हल्का सा नमक डाल दिया है। तो इसे पानी इसका निकलने के लिए इसे छोड़ देंगे इस तरह से, देखिए ये पानी निकलता है, तो 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद इसमें से पानी रिलीज होने लगा है, तो इस तरह से पानी को स्क्वीज कर लेना। ये देखिए पानी गिर रहा है इसके अंदर से, तो इस तरह से पत्ता गोभी में से पानी निकाल लेना है, इस तरह एकदम हमें पानी निकाल देना है। तो इस तरह से हाथों को स्क्वीज करेंगे, देखिए इसका सारा पानी रिलीज हो जाएगा। तो पत्ता गोभी में पानी बहुत ज्यादा होता है, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना सारा पानी निकला है, तकरीबन 1/2 कप। तो ये पानी को फेंकना नहीं है, हम इसे ग्रेवी कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 2 चम्मच मैदा डालूंगी इसके अंदर। तो मैदे का इस्तेमाल हमें ज्यादा नहीं करना है, तो मैदे का फ्लेवर ज्यादा आएगा। तो इसी में 2 चम्मच में चावल का आटा डालूंगी, यहाँ पे आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, तो इससे कुरकुरा बनता है चावल के आटे से। और यही भी मैं स्वाद अनुसार इसके अंदर नमक डाल दूंगी, याद रहे कि नमक का इस्तेमाल हमने पहले भी किया था। और यही पे मैं 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड करूंगी, तो गरम मसाला आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच इसके अंदर हमें काली मिर्च डालना है, काली मिर्च से बहुत तेज तगड़ा आता है, तो काली मिर्च को आप जरूर डालें। मैंने मिर्ची को कट कर लिया, ये 3-4 मिर्चियां इसे बारीक कट कर ली है, और थोड़ा सा मैं अदरक डालूंगी और थोड़ी सी 1/3 चम्मच इसके अंदर लहसुन मैंने कुटा हुआ। इसे अच्छे से गूंथ लेना है फ्रेंड्स, बिना पानी डाले अच्छे से गूंथ लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए इसके हमें बॉल्स बनानी है, तो पानी हमने निकालने के बावजूद देखिए अच्छे से सेट हो जा रहा है। ये देखिए इसमें से पानी बहुत निकलता है, तो हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो इस तरह से हम इसके बॉल बनाएंगे, पहले इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गूंथ के रेडी हो गया है, तो इसके हम बॉल्स बनाएंगे। तो अपने फ्रेंड्स हाथों पे इस तरह से लेना है और इस तरह से इसका बॉल बना लेना है, ये देखिए। तो आपको बॉल बनाते समय ही तेल रख देना है गर्म होने के लिए हाई फ्लेम पे। तो बॉल्स को बना लेती हूँ। तो हमें सारा बॉल्स एक ही साथ नहीं बनाना है, बनाते जाना है और फ्राई करते जाना है, नहीं तो ये सब्जियां अपना पानी रिलीज कर देती हैं। चेक कर लेना है तेल गरम है, तो ये गरम हो गया है तेल। तो बॉल्स को फ्राई कर लेना है। कितना पे रखती हाई फ्लेम पे, पहले हमने फ्लेम को रखा था हाई फ्लेम पे, अब हमने रख दिया है मीडियम पे, यानी कि जब हम पकने लगे तो हमें मीडियम पे कर देना है, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से पक जाएंगे। तो इस तरह से हमें लो फ्लेम पे पकाना है, इसे डालते ही ना छुएं और मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से पकाएं। तो इसे मैंने चला दिया है, ये देखिए सुनहरे हो रहे हैं, तो इसे अच्छे से हमें पका लेना है। ये देखिए कलर बढ़िया आ रहा है इसका, हमारे अच्छे से पक गए हैं, कितना मस्त कलर आया है। तो इसे डिश आउट कर लेती हूँ मैं। तो ये देखिए है ना मज़ेदार। तो इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है ये, साथ में बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है चाइनीज फूड। तो इसी तरह आप घर पे भी बनाइए और मजे से खाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितने मस्त कुक हो गए, ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी है। और इसका अंदर का फोड़ के मैं आपको फीलिंग दिखाती हूँ, ये देखिए मस्त है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सुपर डिलीशियस दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है, तो इसे मैं डिश आउट कर ले रही हूँ। तो ये देखिए लग रहे हैं ना जबरदस्त। तो इसी तरह आपको भी फ्राई करना है जब आप, तो इसी तरह आपको भी फ्राई कर लेना है जब आप बनाएंगे, बहुत ही क्रंची बहुत ही। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा फ्राई हो गया है, तो चलिए इसके लिए ग्रेवी बनाते हैं हम। ये
आप मनचाही सब्जी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लाल वाली शिमला मिर्ची ली है, हरी वाली शिमला मिर्ची ली है, थोड़े से प्याज लिए हैं और ढेर सारी मिर्च लिए है, वो भी लंबा लंबा मैंने इस तरह कट कर लिया है। तो हमारे घर पे तीखा ज़्यादा खाते हैं। और थोड़ा सा अदरक लहसुन है, मैंने इसे अच्छे से कूट लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सेम कढ़ाई में तेल कम कर लिया था तो मैं इसमें अदरक और लहसुन डाल दूंगी और इसे अच्छे से चटका लेना है। और आँच को फ्रेंड्स तगड़ा रखना है, यानी हाई फ्लेम पे आँच को रखना है। तो मैं इसमें मिर्ची डाल दूंगी और साथ में प्याज डाल देना है। तो इसे एकदम इसका क्रंच, तो इस सब्जियों का क्रंच बना रहे तो हमें इसे तेज आँच पे पकाना है दोस्तों। और इसी साथ में डाल दे रही हूँ ये हमारी शिमला मिर्ची, तो इसलिए हमें तेज आँच पे इसे पकाना है। तो सब्जियों को फ्रेंड्स हमें तेज आँच पे पकाना है ताकि इनका क्रंच बना रहे। तो देखिए फ्रेंड्स सब्जियां जब तक पक रही है, यहाँ पे मैंने आरा रोट लिया है 2 चम्मच, तो इसमें पानी डालना है और इसका घोल बना लेना है पतला सा। तो 2 चम्मच मैंने आरा रोट लिया है, 1 कटोरी इसमें पानी ऐड किया है और अच्छा सा इसका स्लरी बना लिया है। और यहाँ पे हम सब्जी, तो यहाँ पे सब्जियां देखिए हमारी भुन रही है चटाकेदार एकदम। फ्रेंड्स हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ी कच्ची कच्ची रहना चाहिए सब्जियाँ, बस इसे हल्का सा स्टोर कर लेना है। हमारी कुक हो गई है तो इसमें डालूंगी 1 चम्मच में रेड चिली सॉस, तकरीबन 1 चम्मच इसमें ग्रीन चिली सॉस डाल देना है फ्रेंड्स, और 1 चम्मच में इसमें सोया सॉस ऐड करूंगी, 1 चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर डाल लेना है फ्रेंड्स, 1 चम्मच इसमें मैं टमाटो केचप डालूंगी, ये ऑप्शनल है, आप इसमें डाल दिया है मैंने, और इसे मिला लेंगे। अब इसमें हम ये डालेंगे आरा रोट, तो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालना है, तो इस तरह से डालते रहना, चलाते रहना है, तो इससे हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा पानी बचा था सब्जियों का, ये भी डाल देना है इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी पानी डाला है, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी डाल सकते अंदर। तो मैंने 2 कटोरी इसके अंदर पानी डाला है, आपको गाढ़ी खानी है भी खानी है आपके ऊपर डिपेंड है। 1 चुटकी में इसमें फूड कलर डालूंगी लाल वाला, बस हो तो डालिए नहीं तो स्किप कर सकते हैं, तो इससे कलर थोड़ा बढ़िया आ जाता है तो अच्छा लगता है देखने में, और खाने में तो ये डिलीशियस रहता ही है। तो इसे पका लेते हैं थोड़ा। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ मैं स्वाद अनुसार, नमक हमें बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि हमने सॉसेस डाली है उसमें भी नमक डला रहता है, तो नमक याद रहे कि थोड़ा ही डालना है, नहीं तो ये ज़्यादा हो जाएगा नमक इसके अंदर तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी मोटी होते जा रही है फ्रेंड्स, ग्रेवी हमारी उबलने लगी है और गाढ़ी भी हो गई है, देखिए कितनी मज़ेदार हो गई है। तो ये बहुत ही जल्दी पक जाता है, 2 से 3 मिनट के अंदर ही पक जाता है। तो ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो गई है, तो हमने ये जो बॉल्स बनाए थे ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से मैं इसके अंदर बॉल्स डाल दे रही हूँ, 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। इट्स डन, इसके बाद ये रेडी है खाने के लिए। टूरियन बॉल्स डाल दिए हैं, हल्का सा इसे कोट कर देना है, ये देखिए एकदम लटपट बना लेना है। तो 1 मिनट के लिए और पका लेती हूँ ग्रेवी के साथ, ये देखिए लग रहे हैं ना मज़ेदार। तो खाने के लिए फटाफट प्लेट सजा लीजिए। जैसे इसमें उबाल आ गया है मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ, तो ये तैयार हो गया एकदम मार्केट जैसी मंचूरियन हमारी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल है ना, माउथ वाटरिंग। तो चलिए फटाफट आ जाइए खाने के लिए। जब पक जाए तो इस पे हल्का सा स्प्रिंग ऑनियन डाल दीजिए, लग रहा है कोई त्योहार हो या स्पेशल ओकेजन हो या पार्टी हो, आप इसे एक बार जरूर बनाइए और एकदम बांधते रह जाएंगे आपके मेहमान। तो एक बार इसे जरूर ट्राई करिए और स्प्रिंग ऑनियन ऊपर से और डाल दीजिए। गर्मा गर्म वेज मंचूरियन रेडी है। देखा दोस्तों इसे बनाना कितना आसान है, कितना सिंपल रेसिपी है, तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई करिए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूले। तो ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैप्पी कुकिंग।